शुक्ला जी के संपर्क में हमारे शंकर या वो हमारे मैडम तिवारी उनके संपर्क में, तो हम लोग बताएंगे कि किस तारीख को ये टीम आएगी और उनके साथ आप रहिएगा तो थोड़ा सा आपको जानने का एक मौका मिलेगा। और उसके बाद जन सुनवाई करना चाहते हैं हम लोग, ताकि इसका जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी समझ में आए। उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के क्या हालात है, उत्तर प्रदेश में सीवेज वर्कर्स को क्या सुविधाएं मिली है, और उत्तर प्रदेश में कितनी मौतें हुई हैं, और मौत के बाद क्या मुआवजा मिला, क्या सामाजिक सुरक्षा मिला, क्या पारिवारिक पेंशन मिला, और क्या वैकल्पिक परिवार को रोजगार मिला। तो ये सारी चीजें जन सुनवाई से एक बड़े फलक में पर्सपेक्टिव में चीजें आएंगी और तब हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो हमारा जो प्रयास होता है कि बहुत जमीनी काम जो है बहुत विश्वसनीय हो, और हम बहुत उदाहरण नहीं देना चाहते, लेकिन सिस्टर हमारी बैठी है, सिस्टर ने बहुत अच्छे पीआईएस हम लोगों के जरिए गाजियाबाद में जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो कमियां थी या जो वहां पर जो करप्शन था उस पर या उस पर बहुत अच्छे नतीजे भी हम लोगों को, मतलब सर हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया इसमें जो है। तो मैं समझता हूँ कि कानपुर के लोग गंगा प्रदूषण का, भाई साहब ने दीपक जी ने बहुत बताया, और जो भी कचरे का भी बताया, लेकिन और बहुत सारे पुलिस एट्रॉसिटीज के केसेस इस इलाके में भी बहुत होते हैं, जिसमें कि हिरासत में उत्पीड़न, हिरासत में मौत या महिलाओं के साथ एसिड अटैक का यहाँ केसेस सुनाई पड़ते हैं कि तेजाब महिला के ऊपर पीता है, या और किसी तरह से कस्टोडियल रेप तक के स्थानों में भी इस कानपुर के पूरे कमिश्नरी में आते हैं। तो हम लोग आप मौका दीजिए और हम लोग आप लोगों के साथ एक साझा करें इस काम को, और उन लोगों को न्याय दिलाएं। और पीआईएल में एक चीज ये भी ध्यान देना चाहिए हम लोगों को कि पीआईएल हम उनके लिए करते हैं जो अभी तक कानून के चौखट में अपने आर्थिक और सामाजिक हैसियत की कमी के कारण नहीं बोल। हम गरीबों का सवाल उठाते हैं, हम किसानों के भुखमरी का सवाल उठाते हैं, हम उनके सुसाइड्स का सवाल उठाते हैं, हम कर्ज लेने वाले की आत्महत्या का सवाल उठाते हैं, हम पर्यावरण का सवाल उठाते हैं, हम पुलिस एट्रोसिटीज का, स्टेट एट्रोसिटीज का सवाल उठाते हैं, हम फेक इनकाउंटर का सवाल उठाते हैं, हम ऑनर किलिंग का सवाल उठाते हैं, हम फाइव स्टार होटल में कौन सी सुविधा की कमी है और उस क्लब में कौन से खेल की कमी है, ये सब हमारे पेड़ के विषय नहीं होते। अभिजात लोग और संपन्न लोगों की कौन से अधिकार से वो वंचित किया जा रहा है, हम इस पीआईएल में हमारा इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अगर हिंदुस्तान की संविधान और कानून 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार देता है, और किसी बस्ती में अगर आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल नहीं है, मिड डे मील नहीं है, आईसीडीएस प्रोग्राम नहीं है, तो ये हमारे पीआईएल का विषय होता है। क्योंकि ये बुनियादी अधिकार जिससे संपन्न परिवार के बच्चों को अपने माँ बाप की हैसियत से मिल रहा है, वो हम राजकीय और राज्य के संरक्षण में दिलाने के लिए अदालतों में जाते हैं। तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पीआईएल हम अगर करें तो वंचित समाज के हक को प्राप्त कराने के लिए। धन्यवाद। इन लोगों को धन्यवाद दूंगा, ये स्मृति है, इन लोगों ने वाकई बहुत अच्छा काम किया। और दिल्ली में भी जो ह्यूमन राइट्स लॉ सुरक्षा जो इंटर्नशिप करने वाले लोग हैं वो भी बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, और हम लोगों का जो पीआईएल का जो पूरा मुहिम है उसको आगे बढ़ाने में इनसे हम लोगों को बहुत मदद। धन्यवाद राय साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आप शायद सुबह कुछ कह रहे थे ना कि क्या एक हादसा हुआ, अखबार में न्यूज पढ़ी है, आप सुबह मुझे बता रहे थे कुछ अखबार की, मुझे इस सत्र की सीमा जी कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, समापन के साथ साथ मैं अगले सत्र जो रखा गया है मैं चाहूंगा उस सत्र के वक्ताओं से कि वो संक्षेप में अपनी बात रखें, और महत्वपूर्ण विषय है जैसा कि राय साहब ने कहा कि बहुत उपेक्षित तबके के लोग जो चिन्हित नहीं है, जो हर तरीके से जो है छूट से लेकर के जितने भी समस्याएं हैं उनका शिकार है, तो मैं चाहूंगा बिना समय गवाए यहाँ पर मुरतगर जी हैं आ जाए, साथी हेमलता जी आई हैं दिल्ली से, और ये मुझे पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोगों ने वो किताब देखी होगी,
डिग्निटी ऑफ सीवेज वर्कर्स, ये केस हेमलता जी के द्वारा किया गया है, कॉलेज ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में किया था और बहुत अच्छा फैसला है, अभी तो प्रकाशित भी हो गया है और उनके साथ साथ मिश्रा जी भी हैं। मैं तीनों साथियों से गुजारिश करूंगा कि इधर आ जाएं और अपनी बात लोगों के सामने रखें। मैं चाहूंगा कि बात संक्षेप में रखी जाए ताकि अगला सत्र जल्दी से शुरू किया जा सके और फिर अंतिम रूप से जो हमारा सबसे अहम मुद्दा है प्रिजनर्स राइट, इस पे कुछ बात होगी और फाइनली जो उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक विधिक सहायता लीगल असिस्टेंस सेंटर की स्थापना का सवाल है उस पर बातचीत करेंगे। आफ्टर दिस सेशन जो भी हमारे बाहर से साथी आए हैं वो लोग रीइंबर्समेंट फॉर्म शाश्वती से ले सकते हैं और अपना टिकट्स और अपना सारा एक्सपेंस का जो बिल है वो दिखाकर आप लोग अपना रीइंबर्समेंट कलेक्ट कर सकते हैं। सो इस सेशन के बाद, इस सेशन के पहले मत लेना, सेशन के बाद फॉर्म फिलअप करके दे दें ताकि उनको सुविधा हो उसे एग्जीक्यूट करने में। मैं सबसे पहले हेमलता जी को कहूंगा, हेमलता जी आवे और बात करें। धन्यवाद शुक्ला जी। साथियों बहुत संक्षिप्त में मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। साथियों जिस समाज की बात कर रहे थे, उपेक्षित समाज, एक ऐसा समाज जो शायद चमकती हुई दिल्ली, चमकते हुए शहर, चमकते हुए महानगर में उस समाज को कभी भी नहीं देखा गया। एक ऐसा समाज जो सदियों से ऐसी गंदगी को साफ करता आया है, जो शायद वो गंदगी हम सब लोग करते हैं, उसमें उसका कोई दोष नहीं है और उस गंदगी को साफ करते हुए वो अपना जीवन गंवा देता है, अपने मौत के मुंह में चला जाता है, इससे बड़ा क्राइम शायद नहीं होगा। ऐसा एक समाज पूरे देश में है। सफाई कर्मचारी, मैनहोल वर्कर जो गटर में काम करते हैं, अगर हम देखें तो पूरे देश में 1000 लोग एक साल में मरते हैं हमारी सभी की गंदगी को साफ करते हुए। देश की आजादी को 60 साल बीत चुके लेकिन आज भी एक व्यक्ति नंगे बदन मैनहोल में उतर कर सफाई करता है और वो गैस से मर जाता है, इससे बड़ा क्राइम नहीं होगा, इससे बड़ा संविधान का उल्लंघन नहीं हो सकता, ये सोचने की बात है। 60 साल की आजादी में कभी भी ये सोचा नहीं गया कि क्यों सीवेज में आज भी मैनहोल में उतरना चाहिए। विदेशों में अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति इस तरीके से मैनहोल में नहीं उतरता, ना ही कोई मौत होती है और उसके काम की बहुत मूल्य होता है कि ये जो व्यक्ति काम कर रहा है वो इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्योंकि वो अपनी गंदगी को नहीं बल्कि दूसरे की गंदगी को साफ करते हुए मर रहा है। इसको देखते हुए हमारे पास 4 मजदूरों के केस आए थे। मैं पिछले 12 वर्ष से निर्माण मजदूरों के आंदोलन के साथ जुड़ी हूँ और विष्णु जी हमारी प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं। जब मैं विद्यार्थी थी उस समय पे, उस दौरान विष्णु जी से जुड़ी थी। मेरा भी सीवेज वर्कर में उस तरह से कोई काम नहीं था लेकिन चूंकि उस समाज के बीच में से मैं आती हूँ और उस समाज के लोगों को मैं जानती हूँ, तो ऐसे 4 केस हमारे पास आए थे, 4 मजदूरों के केस थे। हैरानी होगी आपको कि ये सीवेज मजदूर नहीं थे, मैनहोल वर्कर नहीं थे, ये सीधे सीधे कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। तब मामला बड़ा पेचीदा सा है कि निर्माण मजदूर गटर में क्या कर रहा था, ये बहुत ही बड़ा सवाल है जो आज के परिवेश में समझ में आता है कि ये वो मजदूर थे जो अनसर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सीवेज सफाई का ठेका लिया था। आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग भी ऐसे काम में उतरते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं और उन मजदूरों को ये भी नहीं पता था कि सीवर का ढक्कन कैसे खोलते हैं। उनको उसमें घुसाया गया, उनसे जबरदस्ती सफाई कराई गई और वो 4 लोग मरे। और उन 4 लोगों की फैक्ट फाइंडिंग जब हम लोग करने निकले तब हम लोगों को पता चला कि ये सीधे सीधे अनसर कंस्ट्रक्शन कंपनी का ठेका था और ऐसे कई सारे ठेके कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने लिए हुए हैं जिनकी आरटीआई से इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट निकाले हम लोगों ने, जिनका कोई अता पता नहीं, कोई एड्रेस नहीं, सिर्फ नाम होता है, नाम के अलावा कोई उनका संपर्क नहीं। तो इस तरह के मजदूरों का ये मामला सामने आया और इसको लेके हम लोगों ने PIL फाइल किया, कॉलिंग जी के साथ तैयार किया। लेकिन जो बात राय साहब भी कह रहे थे कि उसके पीछे हमें बहुत काम करने की भी जरूरत पड़ी उनकी बस्तियों में जाके, क्योंकि ये पूरा मामला था एक ऐसे समाज से जुड़ा हुआ, वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ, जिसमें बहुत सारी चीजें समझने के लिए मुझे भी मिली। जब हम उस समाज में गए कि इस तरह का मामला है
तो आपको हैरानी होगी उस समाज में सबसे पहले विरोध हो गया कि आप जो पीआईएल कर रहे हैं वो तो हमारी रोजी रोटी आप छीन रहे हैं। मतलब कि मतलब कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था उस समय पे, कोई मीटिंग में भी नहीं आता था, कोई एफिडेविट देने को तैयार नहीं था। काफी लंबे समय के बाद उनके साथ काफी मीटिंग्स करने के बाद, काफी बातचीत करने के बाद उनकी एक समझ बनी कि आखिर इस तरह के काम को किसी भी मैनुअल वर्क नहीं करना चाहिए, किसी इंसान को नहीं करना चाहिए, वो इंसान चाहे वाल्मीकि कम्युनिटी का ही क्यों ना हो। उनको ये समझ जब बनी तो वही वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों ने एफिडेविट दिया कि इस पीआईएल के लिए काफी सपोर्ट भी किया और आज इसी कैंपेन के वो हिस्सा है और लगभग सारे यूनियन इसके साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही पीआईएल करने से पहले बहुत सारे हम लोगों ने तथ्य भी इकट्ठे किए कि ऐसे कितने वर्कर हैं, ये सिर्फ 3 वर्कर का मामला नहीं था, पूरे देश में सफाई कामगारों का मामला था। तो पूरे देश का एक आंकड़ा भी हम लोगों ने इकट्ठे किया, 2 स्टडी इसमें तैयार की कि क्या क्या दिक्कतें इसमें मजदूरों को होती है, जिसमें कुछ वर्कर तो ऐसे हैं जो ऑन द स्पॉट मरते हैं, गैसेस से मरते हैं, और कुछ वर्कर ऐसे हैं जो मौत के कागार पे हैं। उनके खुद के सरकार का आंकड़ा है कि 80% सिर्फ रिटायरमेंट रेट होता है। आप समझ सकते हैं कि मौत के कागार पे कितने सारे वर्कर खड़े हैं। अगर आप दिल्ली का एक उदाहरण मैं दूं कि दिल्ली में सिर्फ 3450 वर्कर है, 3450 में भी 1500 वर्कर काम करते हैं, और दिल्ली की अगर लाइन देखें तो 10,000 किलोमीटर से ऊपर है। उस आंकड़े के हिसाब से भी आज की डेट में 30,000 वर्कर सफाई कामगारों में होना चाहिए। जो मशीनों की भी बात हम करें तो कुछ काम तो है जो मशीनों से हो सकते हैं और कुछ काम मैनुअल ही करने पड़ेंगे। उसके लिए कोई सुरक्षा उपकरण इन वर्कर को प्रोवाइड नहीं किए जाते, ना ही दिए जाते, ना ही स्टोर से निकाले जाते, और ना ही उसके ऊपर जो पैसा होता है करोड़ों रुपया सरकार का आ रहा है, वो करोड़ों रुपया भी उनकी जेबों में जाता है। जब पहली बार एंट्री मॉडल आया, दिल्ली का जो एंट्री मॉडल आया, ये पीआईएल गुजरात का उस समय पे जजमेंट भी आया था, गुजरात के जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में पीआईएल डाला गया। और इस पीआईएल का एक एंट्री मॉडल जो बहुत ही अच्छा ऑर्डर था, जिसमें बहुत स्पष्ट तरीके से बोला गया कि इनको सुरक्षा उपकरण अगर पुराने हो गए तो उनको नया खरीदना चाहिए और उनको प्रोवाइड करना चाहिए। साथ ही मैं इस और ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जब भी सीवेज में काम करना होता है तो 4 लोगों का परमिशन बहुत जरूरी है, इंजीनियर का, सुपरवाइजर का, और एक मेडिकल जो जांच करेगा उसका, और गैस की जो जांच करेगा उसका। लेकिन बिना वर्क परमिट के, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिना वर्क परमिट के वर्कर को घुसाया जाता है। इसका मतलब जो व्यक्ति को घुसा रहा है, काम कर रहा है, वो उसके साथ सीधे सीधे क्राइम कर रहा है, और आज तक किसी भी ठेकेदार को क्रिमिनल के रूप में सजा नहीं हुई है। सिर्फ उसका कंपनसेशन देने की बात तो जरूर हुई है, कहीं ना कहीं पीआईएल की बहस अभी भी जारी है और उसके ऊपर हम लोग केस भी लड़ रहे हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का एक आंकड़ा हम लोग निकाल रहे हैं, लगभग दिल्ली में 30,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इस पूरे सीवेज में काम कर रहे हैं, और अलग अलग शहरों में, अलग अलग, जो कानपुर में भी मसला आया कि जहां इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहां ज्यादा वर्कर मरने की खबर अखबारों में आप देखते होंगे। तो ये एक तरह से बहुत ऐसा मुद्दा कहे या एक ऐसा दिल झंकोर देने वाला, जब आप कभी फिल्म देखते हैं, तो मैंने भी जब फिल्म देखी थी उसके बाद मुझे लगा कि देश, मैं अंदर अपने आप को टटोलती रही कि देश इतना आजाद हो गया, इतना फ्लाईओवर बन गया, मेट्रो बन गई, और हमारे देश में आज भी वही सड़ा गला सिस्टम है सीवेज का, जहां पे कॉकरोच है, जहां पे अगर सीवर का ढक्कन खोलते हैं तो व्यक्ति का पांव फिसल जाता है, जंग लगे हुए लोहे की सीढ़ियां हैं। तो ये सिस्टम में आज तक इस तरह का डिजाइन क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं ये मानसिकता का भी सवाल है, क्योंकि इस काम में जो लगा है कहीं ना कहीं हाशिए में शिकार दलित समाज के लोग लगे हैं, और उनके ऊपर कभी भी किसी की मंशा तक भी नहीं रही, चाहे वो सरकार है, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हैं। अब थोड़ा जागरूक हुए हैं, उनके जो बच्चे भी हैं वो भी जागरूक हुए हैं, अब थोड़ा झंकोरने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे सीवेज का काम नहीं करने वाले हैं। ये बहुत स्पष्ट तरीके से कई जनसुनवाई के बाद सामने आया कि हम लोग सफाई के काम से नहीं जुड़ेंगे। तो शायद अब सरकार भी सोचने लगी है कि किस तरीके से सिस्टम को डिजाइन किया जाए, और आईएम के साथ वो चर्चा चल रही है। साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है, मैन होल में एक व्यक्ति का काम नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से हो। हमारा पीएल इस बात के लिए है कि इस काम को पूरी तरह से बैन करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को उसका अंदर घुस के उसके अंदर काम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद साथियों, बहुत सारे साथी भी इस बात को रखे हैं। धन्यवाद श्याम लता जी, आपने संक्षेप में और पूरी मतलब की बात बता दी, और इतने संक्षेप में बताई इतनी महत्वपूर्ण बात, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच साथी मोहरत भट्ट जी हैं, मैं चाहूंगा कि वो कानपुर की जो समस्याएं हैं सीवेज वर्कर्स की, उनसे रोज रूबरू होते हैं,
ये हमारा जो जल संस्थान जल आजकल का जलकल विभाग है उसके ये बड़े नेता भी हैं। मैं चाहूंगा कि अपनी बात रखें और उसके बाद फिर हम लोग उसका यूज करें। विभिन्न शहरों से आए हुए मेरे विद्वान साथियों, आज के आयोजन शुक्ला जी दोस्तों, पहले हम लोग अपने बुजुर्गों से सुना करते थे कि अंग्रेजों के शासन में वो हठधर्मी वो तानाशाही हुआ करती थी कि जो वो आदेश कर देते थे उसका अपनी मेट होता। उसके बाद आजादी आई, आजादी के बाद हम लोगों ने सोचा कि शायद हम लोगों को भी स्वतंत्रता मिलेगी, हम लोग भी आजाद होकर खुले सांसों पर जी सकेंगे, परंतु ऐसा देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि हम बताना चाहते हैं के कानपुर में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान पे आज सफाई कामगारों का वो हाल है कि पहले आजादी के बाद हमारे वर्कर 10,000 और 20,000 के तादाद पर रहते थे, शहर बढ़ता गया, डेवलप होता गया, कर्मचारी हमारा सेवानिवृत्त होता गया, रिटायर होता गया और एक कर्मचारी के ऊपर 10-10 कर्मचारी का बोझ डाला जाता गया। आज शहरों में देखिएगा जहां 5-5, 6-6, 7-7 कर्मचारी सीवर महलों में काम करता था, आज 2 और 3 के तादाद पर काम कर रहा है। उसके उपरांत भी उनको न सीवर उपकरण है न उनके सुरक्षा उपकरण है, यहाँ तक किसी मैनोल में उतर कर वो कार करते हैं वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था उनकी नहीं होती है, कभी कभी वो उस पर जाते ही मौत का शिकार हो जाते हैं और प्रतिदिन 10% जहरीली गैसों से तो वो शिकार होते हैं। इसी तरीके से नगर निगमों में कर्मचारियों की संख्या एकदम कम होती जा रही और शहर डेवलप होता चला जा रहा है, एक एक कर्मचारी पर 8-8 कर्मचारी का बोझ डालकर उनसे जबरदस्ती काम लिया जा रहा है, यहाँ तक कि उनकी आर्थिक स्थिति तो उनकी दयनीय स्थिति यह है कि बूढ़े बूढ़े हो गए हैं, गाड़ी झेल रहे हैं और सफाई का कार्य कर रहे हैं, सरकार उनकी तरफ कोई हेल्प नहीं कर रही, कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारे कामगार योजना के आधार पर हेल्थ मैनुअल 1932 के आधार पर 10,000 की पॉपुलेशन पे 10 कर्मचारी को नियुक्त किया जाता था, आज 1,00,000 की आबादी पर, 2,00,000 की आबादी पर, 20,00,000 की आबादी पर 5 और 10 सफाई कामगार काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को अनेकों पत्र यूनियन के माध्यम से, संस्था के माध्यम से लिखा जाता है, भेजा जाता है कि कर्मचारी वर्करों को बढ़ाया जाए, परंतु सरकारों की मंशा इतनी गंदी और सोचनी है कि वो सफाई वर्कर के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। यदि अगर उनको पढ़ाया भी जाता है तो उनको ठेकेदार मजदूर जैसे संविदा में जो कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, बीमा और इससे हकदार होते हैं, आज उनको केवल संविदा में 2,000 और 1,800 रुपए में केवल कार्य लिया जाता है और मरने के उपरांत भी, कोई एक्सीडेंटल होने के उपरांत भी ना बीमा है ना फंड। इस तरीके की तानाशाही रवैया पूरे प्रदेश के सब चीजें चल रही है, तो इस तरीके की लड़ाइयों को हमें अगर हमारे CIL का कॉर्पोरेट सपोर्ट मिलेगा तो हम लड़कर उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और
एक ये भी मांग करेंगे कि जैसे बॉर्डरों पर हमारे सैनिक सुरक्षा बल लगे रहते हैं और उनको देश में मरने के बाद सम्मान प्राप्त होता है, इसी तरीके से हमारे कामगार सफाई पेशे वाले जो शहरों के अंदर रहकर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं उन्हें सैनिक सुरक्षा का नाम मिलना चाहिए। क्योंकि जब हमारी हड़तालें होती है तो एक सप्ताह के अंदर महामारी फैलने लगती है, डायरिया फैलने लगती है, लोग बीमारियों से मरने लगते हैं। जो कि सैनिकों की गोली का काम नहीं कर सकती, वो हमारी सफाई कर्मचारी बनकर करते हैं कि साफ करने के बाद उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन की सुरक्षा करते हैं। इसलिए मैं अपने पीआईएल के साथियों से ये अनुरोध करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि इस तरीके की सर्वे हमारे सफाई वर्करों के बीच में आकर करें और जो भी हमसे उनके प्रति कॉपरेट होगी, मदद की जो आकांक्षा होगी, हम सब पूर्ण रूप से उनको सहयोग देने का काम करेंगे। मैं आदरणीय मिश्रा जी से कहूंगा, उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है अहमदाबाद के अंदर लोगों को संगठित करने में, पूरे देश में सीवेज वर्कर्स को जागरूक करने में, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री से लेकर के उन्होंने बहुत